आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नॉर्मल फॉरेस्ट की बात करूंगा मैं, तो नाम से पता चल रहा है नॉर्मल फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट विच हैज नॉर्मल सीरीज ऑफ एजेस ग्रेडेशंस और अ एज क्लासेस इज नॉर्मल इंक्रीमेंट एंड नॉर्मल सीक्वेंस नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉरेस्ट। देखिए कुल मिला के ये जो कहना चाह रहा है कि नॉर्मल फॉरेस्ट जो है ऐसे वानिकियों को कहते हैं जहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो स्टेडी है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। पेड़ों की संख्या में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बहुत कम मात्रा में बढ़ोतरी, मतलब जितने पेड़ आप देखे थे उतना ही पेड़ों का विकसित है एज इट इज विद्यमान है, ठीक है। एज जो हो एज भी अंतर नहीं है, सारा जो पेड़ों का जो एज है वो समान समांतर समान काल में है। तो इस प्रकार से ऐसे जंगल को हम लोग सामान्य जंगल कहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, नॉर्मल सीरीज एज ग्रेडेशन होता है कि सामान्य रूप से इनके एज में बढ़ोतरी होती है। जो ग्रोइंग है ग्रोइंग स्टॉक है वो भी क्या है, नॉर्मल है, ना घट रहे हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक समान अंतराल में ही ये उतने पेड़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब समान अंतराल में समान पेड़ बनते हैं तो उसको नॉर्मल स्टॉक कहते हैं, ठीक है। पेड़ तो हमेशा जंगल में बढ़ेंगे, ठीक है, कम नहीं होने वाले, थोड़े बहुत हम लोग काटते हैं लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ होता है। तो जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या है, स्टेडी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। फिर जो इंक्रीमेंट और ग्रोथ, ये तीनों की जो बात हो रही है ये यही बात कर रहे हैं कि उस जंगल में आपने देखा कि जो जितने पेड़ों थी उनकी संख्या में सामान्य बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, और जो एज डिफरेंस है वो भी सामान्य है। तो ऐसे जंगल को हम लोग नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे। पर इनके अलावा जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल फॉरेस्ट जो है, नॉर्मल फॉरेस्ट की जो इंक्रीमेंट नंबर ऑफ क्या है, शाखाएं बढ़ जाती है किसी पेड़ की, या फिर नंबर ऑफ पेड़ जो बढ़ जाती हैं, जैसे ये नंबर सामान्य जंगल था, अब इसमें क्या है साल दर सालों में इनका क्षेत्र जो बढ़ना ही है, तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये जो वनों के क्षेत्रफल में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो पेड़ों की शाखाएं जब बढ़ती जाती हैं तो केनोपी बढ़ते जाता है। तो केनोपी बढ़ने से क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है वन क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो वन क्षेत्रफल बढ़ने से एक यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट थे डी डी कियोकॉट्स, डियो को कियोकॉट्स का एक लॉ था, उन्होंने एक लॉ दिया था, इस लॉ को आपको याद रखना है, एक एक्सपोनेंशियल लॉ दिया कि नॉर्मल फॉरेस्ट में द नंबर ऑफ स्टेम, नंबर ऑफ शाखाएं जो बढ़ेगी, नंबर ऑफ शाखाएं बढ़ेंगी इन वन डायमीटर, एक डायमीटर में जो नंबर ऑफ शाखाएं बढ़ने वाली है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है। याद रखिए कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन से बढ़ेगी, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टेम बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ शाखाएं बढ़ने वाली हैं एक डायमीटर में, वो किस आधार पर बढ़ती है, तो वो जो है डी कियोकॉट्स लॉ के आधार पर बढ़ेगी, जो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। और ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ए इंटू ए दी पावर की दी पावर -1 -2 -3 जो ये दिया है, ये कहने का तात्पर्य यही है, जो हर साल में 4 साल, 3 दिया तो 3 साल, 4 से 4 साल, जितने साल हो जाएं उसी प्रकार से हर साल में इनका एक ही डायमीटर में नंबर ऑफ जो शाखाएं बढ़ती हैं उसका कैलकुलेशन इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इक्वेशन से होता है, जिसे हम लोग डी कियोकॉट्स लॉ कहते हैं, डी कियोकॉट्स लॉ कहते हैं। जरा देखिए इसमें जो ए है, एक ए का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज लोएस्ट डायमीटर क्लासेस, ठीक है। कितने जो ट्री हैं, जो अभी अब जो पहले नापता, पहले हम लोग जिसको नापने जाते हैं उसको हम लोग लो लो डायमीटर क्लास कहते हैं, क्योंकि जो ट्री ऑलरेडी बड़े डायमीटर वाले हैं उसको क्या विकसित देखोगे, जो कम डायमीटर वाले हैं उन्हीं का विकास देखने को मिलेगा। तो ए जो स्टेंड करता है नंबर ऑफ ट्री को बताता है, और क्यू जो है ये कॉफिशियंट ऑफ रिडक्शन बोलता है, कॉफिशियंट ऑफ रिडक्शन को बोलता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से इनके रिडक्शन और डेप्रिसिएशन को हम लोग नाप सकते हैं, या वृद्धि को नापा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंक्रीमेंट होने वाला है, देखिए चलिए अभी आपने देखा इंक्रीमेंट की बात की ही मैंने, तो इंक्रीमेंट जो होता है, ठीक है, जैसे पेड़ों की शाखाओं में इंक्री, या जो वनों में इंक्रीमेंट हो रहा है,
जिससे हमको क्या पता है, वनों के इंक्रीमेंट से हम लोग जो बोलते हैं नेट प्रॉफिट वॉल्यूम जो होता है, नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो मैंने अभी रोटेशन की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो इस रोटेशन को आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि इसमें दो चीज है जिनको आपको फुल फॉर्म भी समझना है मैनेजमेंट के टर्म्स में। CAI इसका फुल फॉर्म, फिर यहाँ पे दिया है PAI इसका फुल फॉर्म, और यहाँ पे दिया है MAI इसका फुल फॉर्म के साथ इसके मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले देख क्या है, जो इंक्रीमेंट है इज द इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ट्री एंड क्रॉप्स, मतलब वानिकी फसल में जो वृद्धि है वो। इनमें तीन टर्मिनोलॉजी है उसको आप याद रखना है, जैसे CAI है, CAI जिसका फुल फॉर्म होता है करेंट एनुअल इंक्रीमेंट। करेंट एनुअल इंक्रीमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, वर्तमान समय में, करेंट में जो वर्तमान अभी में कितनी यील्डिंग हमें मिलती है, ठीक है, जिसमें एनपीए ज्यादा मिल सके, एनपीवी नेट प्रॉफिट वॉल्यूम ज्यादा मिल सके। वर्तमान स्थिति में CIA जो करंट की स्टेटस में जो हमको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है इसे हम CI कहते हैं, CAI कहते हैं, ठीक है, करंट को बताता है, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। इसमें वर्तमान समय में करंट एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। फिर उसके बाद आता है कि पीरियोडिक, जहां पे मैंने बात कही PAI की, ठीक है, फिर आता है PAI की, इसका मतलब होता है PAI, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट होता है। पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट इज द, ये क्या होता है, इट इज द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अप टू अ गिवन एज, ठीक है, पूरे पूरे लाइफ में, या एक पीरियोडिक समय ले लेते हैं 10 साल 20 सालों में, जो इन साल भर का जो हमने निकाला करंट साल में, जो कर वर्तमान ईयर में जो हमने इंक्रीमेंट निकाला है, ठीक है, अब इस मान लीजिए 10 से 20 सालों में जो निकालेंगे उनका जो एवरेज निकालेंगे, ठीक है, 10 सालों के एवरेज जो निकालेंगे उसको हम लोग कह लेते हैं पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट। मान लीजिए 10 सालों के लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, 20 सालों के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग 20 साल से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, और एक एवरेज निकाल जाता है 20 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रेट, ठीक है, एनुअल पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, उसको PIA बोलेंगे। आगे तो बढ़ते हैं MAI, देखिए MAI जो है वो क्या है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं। मीन एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है ये भी एक एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है। अब जो आपने करंट एनुअल इंक्रीमेंट निकाला है, करंट एनुअल इंक्रीमेंट लाया लाया है, ठीक है, करंट एनुअल इंक्रीमेंट का आप अगर पूरे जीवन काल के लिए उस पेड़ की, उस प्रजाति के पेड़ों का जो पूरा ईयर, मान लीजिए 75 साल का कोई पेड़ का उम्र है, तो उसको 75 साल से ये CAI को डिवाइड कर दो, CIA को, मतलब जितने सालों के लिए आपने निकाला है उतने सालों के लिए ऐड करो, और उसको 75 से डिवाइड करने पे, मतलब एक उदाहरण के लिए, तो ये पूरे लाइफ टाइम के लिए उसका जब तक सा जीवन काल चला उस प्रजाति की, ये जो एवरेज निकलता है वो निकलता है मीन एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट। तो हमें इस ग्राफ से ये समझना है कि इधर आप वॉल्यूम देख लो कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब मिलेगा, और इधर अपन जो एक्स डायरेक्शन में है वो एज की बात कर लेते हैं। तो आपको ये पूछेगा कि किस समय पे CAI, तो ये जो पॉइंट है एक साल में जो फर्स्ट ईयर रहता है जब रीजनरेशन करते हैं, रीजनरेशन मतलब पेड़ों को काट के नए नए वानिकी पौधे को लगाना, ठीक है, तो पहले साल में अपन देख पाते हैं, पहले सालों में ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या होते हैं, ये पॉइंट एक दूसरे से बराबर होते हैं। तो आप यही देखें CAI जो है यहाँ बराबर है किसे, MAI, CAI MAI ये दोनों बराबर होते हैं पहले साल में, ठीक है, फिर उसके फिर कब मिलेंगे, फिर नेक्स्ट जब ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब CAI यहाँ पे, CAI बराबर MAI, जब ये दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग रोटेशन करते हैं, ये होता है उस पेड़, उस प्रजाति के पेड़ों का रोटेशन टाइम, जब CAI और MAI, आपको ये पूछा जाएगा कि रोटेशन पे, रोटेशन पॉइंट पे CAI MAI में क्या रिलेशन रहता है, तो CAI और MAI में रिलेशन बराबर रहता है जब रोटेशन पीरियड का टाइम आता है। तो ये जो ग्राफ है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको CAI दिखा रहा है,
और जो ये कंटिन्यूस लाइन है, ये कंटिन्यूस लाइन जो MI को दिखाता है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दो जगह मिलता है, एक तो आपका इनिशियल फर्स्ट ईयर में और रोटेशन पीरियड रोटेशन ईयर में, ये दो समय को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने अभी इंक्रीमेंट देखा। अब देखिए ये सारे इंक्रीमेंट आपको निकालने के लिए कई तरीके आपको दिए गए हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट निकालने के कई तरीके दिया है जिनको आपको ऑप्शन में मिलेंगे आपको ये इंक्रीमेंट के फॉर्मूले। चलिए अभी हमने इंक्रीमेंट की बात कही, तो इंक्रीमेंट परसेंटेज जो है, इंक्रीमेंट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला था वो प्रेसलर्स फॉर्मूले द्वारा दिया गया जाता है। तो प्रेसलर्स का फॉर्मूला जो है इंक्रीमेंट निकालने के लिए है, ठीक है, इंक्रीमेंट परसेंटेज के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वी माइनस अपॉन, देखिए ये जो है वॉल्यूम की बात करते हैं, तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो जंगल में जितने भी पेड़ थे उनका जो भार था या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाते थे वो है आपका कैपिटल भी, ठीक है, वो आपका कैपिटल भी है, ठीक। इसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आता है जो इंक्रीमेंट वॉल्यूम है, कुछ सालों में, 10 सालों में या 1 सालों में जो भी इंक्रीमेंट वॉल्यूम है उसको स्मॉल वी से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, इन दोनों का डिफरेंस और समेशन ही हमको इनका इंक्रीमेंट वॉल्यूम निकल पाते हैं, इंक्रीमेंट परसेंटेज निकल पाते हैं, जहाँ एन जो है वो क्या है, ईयर, नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों में आप गिनती कर रहे हैं उसको है, ठीक है। तो ये प्रेसरल फॉर्मूला है। उसी प्रकार एक और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने अब सेसनीडर, आप देखेंगे स्कैंडियर इसको बोलते हैं, स्कैनेडियर। चलिए जो नेक्स्ट आप देखने जा रहे हैं एक इंक्रीमेंट फॉर्मूला का, एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया, ये थे स्कैंडियर्स फॉर्मूला। स्कैंडियर्स फॉर्मूला जो है वो पी इक्वल्स टू 400 अपॉन एन इंटू टी है, एन इंटू डी। सो डी जो है वो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द ट्री है, और एन जो है अभी मैंने बताया, एन जो है ईयर को बताता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, इंक्रीमेंट परसेंटेज को, इंक्रीमेंट परसेंटेज 400 अपॉन एन इंटू डी, इस फॉर्मूला को प्रतिपादित करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, स्कैंडियर्स थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दुनिया में विश्व का मीन एनुअल इंक्रीमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है कि दुनिया में कितना चल रहा है। जो एम अभी मैंने बताया, ये कौन सी डाटा की बात है, MAI की बात है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट है ये, देखिए प्रति हेक्टेयर कितना बढ़ रहा है, प्रति हेक्टेयर 2.1, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रति हेक्टेयर 2.1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इजाफा हो रहा है वानिकी में, ठीक है, ये विश्व का डाटा है। उसी प्रकार अगर हम मीन एनुअल MAI मीन एनुअल इंक्रीमेंट भारत का देखें, भारत के जंगलों में मीन MAI कितना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, भारत में 0.7 है, ये बिल्कुल याद रखें, ये किसका डाटा है, ये भी MAI है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट डाटा है, ठीक है। तो ये कितना, भारत में लगभग 0.9 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर इंक्रीमेंट हो रहा है फॉरेस्ट में, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम ट्री इंक्रीमेंट है उसको हम लोग वी इंटू पी भी करते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ और ये पी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकता है, वैल्यू ऑफ ट्री इंक्रीमेंट, मतलब ट्री की वैल्यू में कितनी इंक्रीमेंट हुआ वो वी इंटू पी कर देते हैं, जहां पी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो स्मॉल पी है, यहाँ पे जो स्मॉल पी है वो ये पी है, और ये पी इसका मतलब है क्वालिटी इंक्रीमेंट पर परसेंट, क्वालिटी ट्री की क्वालिटी में जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। तो क्वालिटी डिपेंड करता है, तो क्वालिटी के लिए क्या करते हैं, के माइनस के अपॉन प्लस के, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा स्मॉल पी के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो क्वालिटी इंक्रीमेंट है उस प्री को बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैनुअल इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीन एनुअल, यहाँ पे मीन एनुअल जो इंक्रीमेंट फॉर द फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले जो प्रजाति के पेड़ हैं उनका कितना है, 10 है, इनका 10 है, 10 मीटर क्यूब है, जबकि पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है, ऑल ओवर सभी स्पीसीज को मिलाकर
वो है फॉरेस्ट में इजाफा हो रहा है 2.1 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर है, लेकिन जो सबसे फास्ट ग्रोइंग है वो कितना होता है 10। तो ये डाटा आप याद रखें, 10 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर जो एनुअल मीन एनुअल इंक्रीमेंट होता है सबसे फास्ट ग्रोइंग पेड़ों में स्पीसीज है, जो प्रजाति के पेड़ है उनमें कितना ग्रोइंग होता है 10 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीन चीजें, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट जो है, नाम याद रखना जरूरी था। अब देखिए कुछ जरूरी मैप में क्या है, बहुत सारी चीजों का क्लासिफिकेशन दिया रहता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि क्रॉप की जो कॉम्पोजिशन है, जैसे कि आप क्रॉप कॉम्पोजिशन इस टेबल को हम लोग याद रखना है, क्रॉप कॉम्पोजिशन है और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर क्रॉप का कॉम्पोजिशन एक ही प्रकार के पेड़ जो है या प्रजाति है वो 75% से अधिक है तो प्योर क्रॉप बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी प्रजाति की पौधे हैं। अगर 50 से 75 हो गए तो मेन क्रॉप बोल देते हैं, ठीक है। अगर 25 से 50% हो गए तो मिक्स्ड क्रॉप बोल देते हैं, और अगर उससे भी कम 25% से भी कम हो गए तो मिसलेनियस बोल देते हैं। तो ये क्रॉप की प्रजाति है। अगर मैंने ये कह दिया कि मिक्स्ड क्रॉप में जो कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीसीज है उनका परसेंटेज क्या रहेगा, तो आप याद रखिएगा अगर मैंने कहा है मिक्स्ड क्रॉप का, तो मिक्स्ड क्रॉप का तो ये हो जाता है मिक्स्ड क्रॉप का 25 से 50%। उसी प्रकार मेन क्रॉप का 50 से 75 हो जाता है और प्योर क्रॉप का 75 से ऊपर। अगर 25% से कम हो गया तो इसको मिसलेनियस क्रॉप बोलते हैं। वहाँ कुछ भी पेड़ मिले जुले हुए हजारों की संख्या में, सारे पेड़ एक दूसरे का मिलते नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां उगी रहती हैं, ठीक है। देखिए अब मैप में क्या रहता है, कुछ कलर्स में डिफाइन रहते हैं फॉरेस्ट्री के टाइप, तो इन कलर्स को भी याद रखिएगा। अगर मैंने जैसे साल वृक्षों को दिखाना की कोशिश किया मैप में, तो उनका रंग ब्लू होगा, ठीक है, साल वृक्ष को ब्लू दिखाएंगे आप। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि मैप में पेड़ों की प्रजातियों को ब्लू दर्शाया गया है तो कौन सा पेड़ है, होंगे वो साल वृक्ष के पेड़ हैं। उसी प्रकार टीक को हम लोग बरेंट सीना कलर में दिखाते हैं, बरेंट लैंड बारेन लैंड है, बरेन लैंड है मतलब यहाँ पे अगर नहीं है कुछ, बारेन लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो कलर है येलो का होगा। अगर मिक्स्ड फॉरेस्ट है तो वहां पे क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। कल्टीवेशन अगर एरिया है तो कोई भी कलर नहीं रहता, जहाँ पे हम लोग क्या फसल करते हैं तो फसल में कोई कलर नहीं रहता। ये सारे कहाँ पे होंगे, ये मैप की बात कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट मैप मिलता है उसमें हम लोग ये देखते हैं। ब्लू हो गया तो साल वृक्ष है, तो ब्रंट सेनिया हो गया तो टीक कलर का रहता है, ठीक है, और येलो हुआ तो बारल लैंड है। मिक्स्ड फॉरेस्ट के लिए ग्रीन दिखाते हैं, और कल्टीवेशन है तो कल्टीवेशन मतलब जहाँ पे खेती की जाती है तो कोई कलर नहीं रहता, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे डेंसिटी वाली को हम अपन देखें, डेंसिटी के आधार पर केनोपी को डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो केनोपी का जो क्लास है, अगर क्लोज केनोपी कब कहते हैं, जब डेंसिटी एक हो। जब हाई डेंस केनोपी कब कहते हैं, जब 0.8 से 99 तक हो, 0.99 तक हो। फेयरली डेंस कब कहते हैं, जब 60.6 से 7.9 तक हो। थीन केनोपी किसको कहते हैं, 0.4 से 0.59 तक। ओपन केनोपी कब कहते हैं, जब डेंस कहता है 0.2 से 0.39 तक होता है, ठीक है, ठीक है। और सुपर स्पेस के स्पर्स बोलते हैं, जहाँ पे क्या है कैनोपी को 2.2 से भी कम होता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश किया जाएगा, तो इनमें से कुछ भी बोलेगा कि जैसे डेंस डेंस कैनोपी है, डेंस कैनोपी है, डेंस कैनोपी में डेंसिटी क्या रहती है, तो 0.8 से 0.99 तक रहेगा, ठीक है, फेयरली का उससे कम, ठीक, थीन का उससे कम और ओपन का उससे कम। तो ओपन फॉरेस्टी है, ओपन केनोपी फॉरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा 0.2 से 0.39 तक, ठीक है। चलिए इसी मैपिंग को आगे बढ़ाते हुए हमको ये मिलता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि मैपिंग में मैनेजमेंट के थ्रू ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे मैनेजमेंट की जो मैप है उसमें क्या चीज़ क्या किसके लिए क्या चीज़ मेंशन हुआ है। तो यहाँ क्यूमुलेटिव वेट ऑफ एज वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, फिर यहाँ रिप्रोडक्शन स्टेटस देता है रीजनरेशन का, और यहाँ पे कलर ऑफ रीजनरेशन इन मैप, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर का मैप में अगर रीजनरेशन को ग्रीन से दिखाया गया है तो इसका मतलब वो एक्सीलेंट है, उसका मतलब क्या है, स्टेटस है एक्सीलेंट है। और कुमुलेटिव जो वेट है
वो 81 से 100 रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर ब्लू है तो ब्लू से ये एक्सेलेंट से थोड़ा कम ये गुड होता है, ठीक है। और इनका जो वेट होता है क्यूमुलेटिव वेट वो 61 से 80। उसी प्रकार अगर ये येलो है तो ये मॉडरेट है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है, मॉडरेट रेट होगा। तो इनका जो वेट है वो 41 से 60 हो जाता है। अगर यहाँ रेड है मतलब बेकार है, अगर रेड दिखा रहा है तो ये फेयर है, और इनका जो स्टेटस को फेयर बताते हैं, और इसका जो वेट है, इनका जो वेट है वो 21 से 40 वेट वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर इसका ब्लैंक है तो यहाँ डिफिशियंट है, ये बिल्कुल खराब है, मतलब यहाँ जनरेशन हो ही नहीं रही है, इनका वेट तो 0 से 20 है, ठीक है, डिफिशियंट जनरेट बोलते हैं। तो डिफिशियंट जनरेट का कलर जो होता है ब्लैंक रहता है, ठीक है, वहां पर जनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो आता है मैप में कई स्केल्स हैं, इनके स्केल्स हैं, तो याद रखिएगा। तो ये जो स्केल है 1/50,000, 1/50,000, इन चारों का ये आप याद रखें। वर्किंग प्लान मैप, मैनेजमेंट मैप, ये मैनेजमेंट मैप हमने देखने देखने जा रहा है, मैनेजमेंट मैप का भी यही स्केल है, 1/50,000, 1/50,000, 1/50,000, 1/50,000। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट टाइप मैप, वर्किंग मैप, मैनेजमेंट मैप एंड न्यूमरेशंस मैप, ठीक है। न्यूमरेशंस मतलब यहाँ पे क्या पैसे का गिनना जाना, वैल्यू गिनी जाती है, ठीक है। तो इन सब का जो स्केल है 1/50,000 है, ठीक है, सॉरी यहाँ तक भी है। स्टॉक स्टॉक मैप का भी नहीं, स्टॉक मैप का अलग है, यहाँ पे देखिएगा स्टॉक मैप का जो साइज है वो है 1:15,000 है, 1:15,000 पे आता है। तो नेक्स्ट रीजनरेशन जो मैप है, देखिए रीजनरेशन मैप का जो स्केल है वो 1:4,000 या 5,000, ये दोनों में हो सकता है। तो इस प्रकार से देखो कि अधिकतर मैप क्या है 1,000, 1/50,000 होता है, लेकिन स्टॉक मैप का, स्टॉक देखिए स्टॉक मैप का 1/15,000 और रीजनरेशन मैप का 1/5,000 होता है। और इससे पहले मैंने जो फॉरेस्ट्री स्टार्ट की थी सिल्वीकल्चर में, आपको आपको चैंपियंस और सेट ने भारतीय वनों को, तो याद रखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चैंपियंस और सेट ने, याद रखिएगा चैंपियन एंड सेट, इन दोनों के द्वारा 1935 में, ठीक है, जो भारतीय वन थे इनको 16 सब ग्रुपों में बांटा था, 16 सब ग्रुप में बांटा था, ठीक है। तो इन 16 सब ग्रुपों को मैप में अलग अलग कलर से नापा जाता है, ठीक है। तो 16 प्रकार के वन प्रजाति पाए जाते हैं भारत में। तो देखिएगा जरा, ये भारत का, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के सब ग्रुपों में किसने बांटा था, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, चैंपियन ऑफ सेट ने कब बांटा था, 1935 में, कितने ग्रुप में बांटा था, 16 ग्रुपों में बांटा गया है। तो ये वो 16 ग्रुप है, ठीक है, जिसमें जैसे अगर ट्रॉपिकल वेट ग्रीन की बात करूं तो इनको वॉयलेट में दिखाया जाता है, ट्रॉपिकल सेमी ग्रीन फॉरेस्ट है तो इनको पर्पल में दिखाया जाता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है, ये दोनों एवरग्रीन की बात की जाती है। तो जो वेट एवरग्रीन है ट्रॉपिकल की, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है, पहला जो है ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, वेट मतलब आर्द्र होता है और एवरग्रीन मतलब सदाबहार बोलता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों का जो रंग है वो वॉलेट से दिखाया जाता है। सेमी आर्द्र, ठीक है, सेमी आर्द्र को क्या होता है, पर्पल को दिखाया जाता है। और मॉइस्ट डेसिडुअस मतलब पतझड़ पर्णपाती वन होते हैं, ठीक है, इनका जो कलर है वो कोबाल्ट ब्लू रहता है, कोबाल्ट ब्लू रहता है। तो इनमें से किसी का भी एक कलर देख के आपको ये पूछ सकता है ये कलर पर्टिकुलर किस किस सब ग्रुप का है, ठीक है। जैसे टेरिटोरियल स्पाम फॉरेस्ट है, ठीक है, टेरिटोरियल स्पाम जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक्चुअली समुद्र के किनारों में पाए जाने वाले वन होते हैं, जिनका कलर होता है पर्शियन ब्लू। तो आपको ऐसा कलर दिखाएगा नहीं, वो नाम लिखा रहेगा। तो पर्शियन ब्लू किसका है, तो लिटोरल फॉरेस्ट का है, ठीक है। ट्रॉपिकल डाई डेसिडुअस क्या है, येलो होते हैं। रेड जो होता है ये ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट का होता है, रेड, ठीक है। उसी प्रकार ट्रॉपिकल ड्राई ड्राई जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई जो फॉरेस्ट है, देखिए ये जो अपना है ये क्या होता है, ट्रॉपिकल ड्राई जो फॉरेस्ट है ये वाली, ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये एमपीसीजी में पाए जाने वाले फॉरेस्ट है। तो सीजी में कौन सी पाई जाती हैं, उस वनों को कैसे दिखाया जाएगा येलो में? तो याद रखिए, सीजी में पाए जाने वाले जो वनों का कलर है वो मैप में कैसे दिखाई, येलो भी दिखाई देगा। तो येलो किसका है, ट्रॉपिकल ड्राइव डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है? तो याद रखिएगा ये वाला। ट्रॉपिकल थॉरेंस जो है रेड है, ठीक है? ट्रॉपिकल ड्राई यहाँ पे दिया है, ट्रॉपिकल ड्राई ड्राई एवरग्रीन की बात करें, यहाँ कहीं पे भी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन नहीं है, तो इनको पिंक में दिखाया जाएगा, ठीक है? फिर आगे जाते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल तो इसको वर्मिलियन जैसे दिखाया जाता है, हिली एरिया, हिमालय की बात करें। पाइन्स जो होते हैं ऑरेंज दिखाया जाएगा। सब ट्रॉपिकल ड्राई, अब सब ट्रॉपिकल क्या होगा, ड्राई एवरग्रीन है, तो इनको बर्नट अम्बर में दिखाया जाएगा, ठीक है? नॉर्दर्न वेट टेम्परेचर को ऑलिव ग्रीन में, हिमालय हिमालय मॉइस्ट को ग्रीन में, हिमालय मॉइस्ट को ग्रीन में दिखाया जाएगा। तो हिमालय ड्राई टेम्परेचर को येलो दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कलर को याद रखना है, इनमें कोई भी आ सकता है। जैसे सब अप्लाइन है, सब अप्लाइन है, अल्पाइन है, तो इनको बर्नट साइनिया में दिखाएंगे, और ये अल्पाइन वनों को स्पिया कलर में दिखाएंगे। तो ये कलर आपको दिखे ना दिखे, लेकिन ये नाम दिखाई देगा। स्पिया कलर जो है वो किसके लिए होता है, तो अल्पाइन वनों के लिए होता है। तो इस तरह से ये मैप में मैनेजमेंट के थ्रू जो कलर दिखाया गया है, उस कलर को भी आप याद रखेंगे, ठीक है? चलिए,